हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 और उससे क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इस क्लास में वी विल सी सेक्शन 6 अलोंग विद द चेंजेस इंट्रोड्यूस टू इट। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 9 सितंबर 2005। तो इस दिन ये एक्ट लाया गया था और प्राइमरी और बेसिक ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का था जेंडर इक्वालिटी या जेंडर जस्टिस, यानी कि वुमेन को भी सेम अधिकार देना इन सक्सेशन एज गिवन टू मेल और उनकी पोजीशन इम्प्रूव करना, उनको प्रोप्राइटरी राइट देना। तो क्या चेंजेस किए गए थे वो हम लोग देखते हैं शॉर्ट में, फिर उसको एक एक समझेंगे। पहला है अबॉलिशन ऑफ सर्वाइवरशिप एंड रिटेंशन ऑफ नोशनल पार्टीशन। सेकेंड, डॉटर मेड को पार्सनर बाय बर्थ। थर्ड, अबॉलिशन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। फोर्थ, डिलीशन ऑफ प्रोविजन एग्जेम्प्टिंग एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स। फिफ्थ है डिलीशन ऑफ सेक्शन 24। और सिक्स्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ 4 न्यू एयर्स टू क्लास 1 कैटेगरी। तो अब इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं और इसी वीडियो में हम लोग सेक्शन 6 भी साथ में देखते चलेंगे, क्योंकि सेक्शन 6 में ही सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए। अभी हम लोग पहला समझ रहे हैं चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय 2005 अमेंडमेंट एक्ट इन सेक्शन 6। पहला चेंज है अबॉलिशन ऑफ सर्वाइवरशिप एंड रिटेंशन ऑफ नोशनल पार्टीशन। तो सेक्शन 6 बात करता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में कैसे इंटरेस्ट डिवॉल्व होगा, ये सेक्शन 6 में बात की गई। हम लोग सेक्शन 6 को थोड़ा हिस्टोरिकल अप्रोच लेकर समझते हैं। पहले इसमें क्या था कि ओल्ड हिंदू लॉ में सर्वाइवरशिप अप्लाई किया गया। सर्वाइवरशिप का क्या मतलब है? डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप ओल्ड हिंदू लॉ में पूरी तरह से एप्लीकेबल था। कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है, और ए की अगर ए ने अपना जो प्रॉपर्टी जो शेयर था उसको किसी को डिवाइड नहीं किया, ना ही उसने विल बनाई, और ए की डेथ हो जाने के बाद जो उसके मेल एयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ए का सन, ए का भाई, तो इन लोगों को प्रॉपर्टी मिल जाया करती थी। जो सर्वाइविंग एयर्स बचते थे ए के, उनको प्रॉपर्टी मिल जाती थी, और यहाँ जो ए की विडो बच गई है उनको कुछ नहीं मिलता था। तो सर्वाइवरशिप ऐसा डॉक्ट्रिन था, जो भी पर्सन के सर्वाइविंग एयर्स थे मेल, उनको प्रॉपर्टी मिल जाती थी, और जो यहाँ पर विडो रहती थी या फिर अगर ये सन मर गया इसके विडो है, उनको कुछ नहीं मिल पाता था। ऐसे में क्या होता था, जो विडो होती थी वो सफ़र करती थी। ये ओल्ड हिंदू लॉ की बात है। फिर थोड़ी विडो की पोजीशन को चेंज किया गया, पोजीशन आफ्टर 1938 में एक एक्ट लाया गया, हिंदू वुमेन्स राइट ऑन प्रॉपर्टी एक्ट 1938। इस एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट में विडो के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। इसमें क्या होता था, अब क्या होता था कि जैसे ही हस्बैंड मर जाता था, विडो को लाइफ एस्टेट दे दिया जाता था। हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो शेयर था, उसमें विडो के पास लाइफ एस्टेट, जब तक वो विडो जिंदा रहती थी उसके पास वो प्रॉपर्टी रहती थी, वो उससे अपना पालन पोषण करती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। और जब ये विडो की डेथ हो जाती थी तब ही जाकर पार्टीशन होता था, तब ही जाकर ये कोपार्सनरी इंटरेस्ट इनमें डिवॉल्व होता था। तो पहले क्या था, पहले जैसे इनकी डेथ हुई वैसे ही सबको इंटरेस्ट मिल जाता था, विडो को कुछ नहीं मिलता। अब ये 1938 के एक्ट के बाद क्या हुआ कि विडो को लाइफ एस्टेट दे दिया गया, इनकी प्रॉपर्टी में इनका अधिकार हो गया। ऐसा अधिकार लिमिटेड इंटरेस्ट था कि वो अब बस उससे जो इनकम आ रही है उससे अपना खर्चा चला सकती हैं, बेच नहीं सकती हैं उसको। तो लिमिटेड एस्टेट इनको दे दिया गया, उससे अपना खर्चा चलाती रहती, जब तक जिंदा थी तब तक उनकी प्रॉपर्टी को वो होल्ड करके रखती, उससे अपना यूज़ करती, और जैसे ही विडो की डेथ हो जाती वैसे ही सारे एयर्स को वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाती। तो इससे विडो की थोड़ी जो कंडीशन में सुधार आए। फिर हम लोग का एक्ट आ गया 1956 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके सेक्शन 6 में कहा गया कि इसमें पार्शली सर्वाइवरशिप लगाया गया और पार्शली नोशनल पार्टीशन लगाया गया। इसमें कहा गया कि सर्वाइवरशिप कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही लगाया जाएगा और बाकी लोगों के लिए
नोशनल पार्टीशन लगाया जाए. सर्वाइवरशिप वॉज अप्लाइड ओनली वेयर मेल हिंदू डाइड लीविंग बिहाइंड अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी एंड डिड नॉट लीव बिहाइंड एनी क्लास वन फीमेल एयर और सन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर. इसका क्या मतलब है? तो 1956 में जो सेक्शन 6 हुआ करता था उसमें कहा गया कि सर्वाइवरशिप तभी लगेगा अगर कोई मेल हिंदू की डेथ हो गई है, उसने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं की है, मतलब पार्टीशन नहीं हुआ है, उनकी डेथ हो गई है, इंटेस्टेट हुआ है, और उन्होंने कोई ऐसी फीमेल एयर नहीं छोड़ी है, क्लास वन में कोई फीमेल एयर नहीं छोड़ी, या फिर कोई सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर नहीं छोड़ा, मतलब इन दोनों को, ये दोनों नहीं है, तभी सर्वाइवरशिप अप्लाई करते थे. अगर ये दोनों होते तो सर्वाइवरशिप का जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई नहीं होता था, तब नोशनल पार्टीशन लगता था. तो सेक्शन 6 पहले कैसा था? उसमें था कि सर्वाइवरशिप तभी अप्लाई होता था जब एक हिंदू की डेथ हो रही है और वो फीमेल, कोई फीमेल एयर को छोड़ के नहीं मरा है जो क्लास वन में है, या फिर कोई सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर नहीं है, तभी सर्वाइवरशिप अप्लाई करता था. अगर कोई फीमेल एयर रहती है उसकी डेथ के बाद तो सर्वाइवरशिप नहीं लगता था, नोशनल पार्टीशन लगता था. या फिर अगर ये बच गया कोई सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर, कोई डॉटर है उनकी और वो मर गई, उनका लड़का है, तो भी नोशनल पार्टीशन लगता था, सर्वाइवरशिप नहीं लगता. ये थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया था सर्वाइवरशिप का अप्रोच. अब पोजीशन आफ्टर 2005 अमेंडमेंट एक्ट, थोड़ा ट्रिकी है बट समझ सकते हैं. पोजीशन आफ्टर 2005 अमेंडमेंट एक्ट, 2005 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें सर्वाइवरशिप को पूरी तरह हटा दिया गया और नोशनल पार्टीशन को हर केस में लगा दिया गया. पहले नोशनल पार्टीशन सिर्फ इस क्लास वन फीमेल एयर और सन ऑफ प्रीडिसीज डॉटर के लिए ही लगता था, लागू होता था, बट अब नोशनल पार्टीशन को हर एयर के लिए लगा दिया गया. अब सर्वाइवरशिप जैसा कोई चीज़ हिंदू सक्सेशन एक्ट में नहीं रह गई है, तो सर्वाइवरशिप पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया. तो ये हम लोग देख रहे हैं कि सेक्शन 6 में 2005 के अमेंडमेंट से जो पहला चेंज किया गया वो है कि सर्वाइवरशिप के डॉक्ट्रिन को पूरी तरह हटाकर नोशनल पार्टीशन पूरे में लगा दिया गया. अभी नोशनल पार्टीशन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट समझ रहे हैं. तो नोशनल पार्टीशन में क्या हो रहा है? इन नोशनल पार्टीशन अ लीगल फिक्शन इज क्रिएटेड. ऐसा हम लोग लॉ में मान रहे हैं, फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं लॉ में. इट इज़ डीम्ड एंड इट इज़ क्रिएटेड एंड इट इज़ प्रिज्यूम, यहाँ प्रिजम्पशन रेज किया जा रहा है दैट द एक्चुअल पार्टीशन इज डन जस्ट बिफोर द डेथ ऑफ द कोपार्सनर एंड वॉट एवर शेयर इज असर्टेड ऑन नोशनल पार्टीशन would now devolve upon heirs of predeceased co-partner by rules of succession. इसका क्या मतलब है? Notional partition एक ऐसा doctrine है जिससे एक presumption raise किया जा रहा है, legal fiction create किया जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर for example ये A है, ये co-partner है, इनकी death हो जाती है without he dies leaving behind his undivided interest in co-partnery property. इनकी एक प्रॉपर्टी थी, उसको डिवाइड नहीं इन्होंने किया, इन्होंने कोई विल नहीं बनाई, पार्टीशन नहीं हुआ, इनकी डेथ हो जाती है. नोशनल पार्टीशन के डॉक्ट्रिन से क्या होता है, यहाँ लीगल फिक्शन क्रिएट किया जा रहा है और यहाँ पर मान लिया जाता है कि इनकी डेथ से पहले, बिफोर हिज डेथ, लीगल फिक्शन की बात हो रही है, असलियत में ऐसा नहीं हुआ है, बट यहाँ माना जा रहा है नोशनल पार्टीशन से कि अपनी डेथ से पहले इन्होंने अपने शेयर्स जो है वो डिवाइड कर दिए हैं. तो मान लिया जाता है कि यहाँ के जो इनके शेयर्स हैं वो ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं नोशनल पार्टीशन से, जस्ट बिफोर हिज डेथ एक्चुअल पार्टीशन हो चुका है. तो नोशनल पार्टीशन का यही पर्पस है, यहाँ लीगल फिक्शन क्रिएट होता है, प्रिजम्पशन रेज होता है कि जैसे ही उनकी डेथ हो इसके जस्ट पहले ही पार्टीशन, एक्चुअल पार्टीशन हो चुका है, और उस एक्चुअल पार्टीशन में जो भी शेयर असर्टेन किए गए थे वो डिवॉल्व हो जाएंगे एज पर द रूल्स ऑफ सक्सेशन. तो यहाँ एक सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने ये नोशनल पार्टीशन का जो है एक डॉक्ट्रिन लाया है कि जो राइट्स हैं बाकी कोपार्सनर के वो इन्फ्रिंज ना हो. पहले सर्वाइवरशिप में क्या होता था कि ये
इनके डेथ के बाद जो होते थे सिर्फ सर्वाइवर्स, जो उनके सर्वाइविंग एयर्स थे उनको मिलता था, जो नहीं थे मतलब उनकी जैसे फीमेल को अगर नहीं मिल रहा है राइट तो उनको कुछ नहीं मिलता था, फीमेल रह जाती थी, जो फीमेल जो उनकी एयर्स थी वो सब रह जाती थी, उनको नहीं मिलता था सर्वाइवरशिप के डॉक्ट्रिन से। और यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी होता था, जैसे ही किसी की बर्थ होती थी तो शेयर रिड्यूस हो जाते थे, डेथ से शेयर इंक्रीज होते थे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती थी सर्वाइवरशिप के डॉक्ट्रिन में। नोशनल पार्टीशन से लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया, प्रिजम्पशन रेस किया गया कि इनकी डेथ के पहले ही मान लिया जा रहा है लॉ में कि इनकी डेथ के पहले ही इनके शेयर जो है डिवाइड कर दिए गए थे, एक्चुअल पार्टीशन हो गया था। और जो ये शेयर हम लोगों ने एक्चुअल पार्टीशन से डिवाइड किए हैं वो किस तरह से डिवॉल्व होंगे, रूल्स ऑफ सक्सेशन से, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिस इज ऑल अबाउट नोशनल पार्टीशन। अब लोग देख रहे हैं सेक्शन 6 में जो दूसरा चेंज आया है बाय वे ऑफ 2005 अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा चेंज जो आया है 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है विच फर्दर्स द पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज अ मूव टूवर्ड्स ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी, वो है डॉटर मेड को पार्टनर। अभी तक क्या होता था, कोई मेल जो हिंदू है रहता था उनके जो 3 मेल डिसेंडेंट्स रहते थे वही उनके को पार्टनर कहलाते थे। डॉटर को कोई भी राइट नहीं दिया गया था को पार्टनरी प्रॉपर्टी में, बट 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से डॉटर को भी को पार्टनर बना दिया गया है। अब जैसे सन को बाय बर्थ राइट मिल जाता है अपने फादर की प्रॉपर्टी में, वैसे ही डॉटर को भी मिल जाएगा, और डॉटर भी पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकती है जैसे सन क्लेम करता है। इक्वल राइट उनको दे दिया गया है डॉटर्स को भी। तो आफ्टर 2005 अमेंडमेंट एक्ट डॉटर हैज़ नाउ बीन मेड अ को पार्टनर बाय बर्थ इन हर ओन राइट। दूसरी चीज़ है कि शी कैन क्लेम पार्टीशन, इसमें एक राइडर डाला गया है, एक रिस्ट्रिक्शन है बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन विच इज़ अटैच टू सेक्शन 6 क्लॉज 3। तो शी कैन क्लेम पार्टीशन, बट यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 के पहले हो चुका है ऑलरेडी, 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर पार्टीशन हो चुका है तो डॉटर उसको रीओपन नहीं करवा सकती, अगर पार्टीशन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से हुआ है या फिर डिग्री ऑफ कोर्ट से हुआ है। तो हम लोगों ने जाना कि 2005 से डॉटर को सेम राइट दे दिया गया है सन इन को पार्टनरी प्रॉपर्टी, और वो को पार्टनरी प्रॉपर्टी का पार्टीशन क्लेम कर सकती हैं कभी भी, बट शी कैन नॉट क्लेम रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन विच इज़ डन बिफोर 20 दिसंबर 2004। अगर पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 पे हो चुका है उसके पहले और वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से हुआ है या डिग्री ऑफ कोर्ट से हुआ है तो डॉटर उसको फिर से रीओपन नहीं करवा सकती। बस ये इकलौता रिस्ट्रिक्शन है जब वो पार्टीशन नहीं क्लेम कर सकती, रीओपन नहीं कर सकती, नहीं तो हर केस में वो पार्टीशन मांग सकती है और बाय बर्थ जैसे उनकी जन्म होता है वैसे उनको प्रॉपर्टी में को पार्टनर बना दिया जाता, उनका अधिकार हो जाता है। तो ये है ऑल अबाउट डॉटर बीइंग मेड अ को पार्टनर, चेंज ब्रॉट अबाउट बाय 2005 अमेंडमेंट एक्ट। अब हम लोग इससे रिलेटेड केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है प्रकाश वर्सेस फूलवती का केस, दूसरा है दमन्ना वर्सेस अमर, और जो कंक्लूडिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस अभी रिसेंटली आया है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का। तो इन तीनों केसेस में क्या कहा गया और कैसे पोजिशन को क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के जजमेंट से विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा, वो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। पहला केस है प्रकाश वर्सेस फूलवती, 2016 का केस है ये, 2 जजेस बेंच। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डॉटर्स विल बी कंसिडर्ड एज को पार्टनर ओनली व्हेन हर फादर वाज अलाइव ऑन द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। तो इस केस में माना गया कि डॉटर को तभी को पार्टनर माना जाएगा अगर उस डॉटर के फादर अलाइव थे ऑन द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि 9/9/2005 में अगर उसके फादर अलाइव थे तभी डॉटर को पार्टनरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा उन्हें। नेक्स्ट केस है दनम्मा वर्सेस अमर, 2018 का ये केस है, ये भी डिवीजन बेंच यानी 2 जजेस बेंच का केस है। सुप्रीम कोर्ट टुक अ कॉन्ट्ररी व्यू and held that section 6 confers co-partnery right in favor of daughters from the date of their birth and not from the date of enforcement of the act
एंड देयरफॉर डॉटर्स कैन क्लेम हर शेयर इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी इवन इफ द फादर वॉज नॉट अलाइव ऑन द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट. तो पिछले केस से इस केस में कॉन्ट्ररी व्यू दिया गया और माना गया कि डॉटर को जो राइट मिल रहा है वो फ्रॉम द डेट ऑफ हर बर्थ मिल रहा है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट मिल रहा है. तो इसी वजह से अगर उनके फादर अलाइव है या नहीं अलाइव है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डॉटर को पार्सनरी प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ हर बर्थ, यानी कि जब से उनकी पैदाइश हुई है तब से. इन दोनों केसेस के बाद पोजीशन कंफ्यूजिंग हो गई थी क्योंकि दोनों में कॉन्ट्ररी व्यू दिया गया. इसी वजह से थ्री जजेस बेंच का जो ये केस आया है नेक्स्ट, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का ये केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें दो इश्यूज रेज किए गए. पहला, whether a daughter who was born before the date of enforcement of the amendment would be considered a co-partner or not. और दूसरा इशू था कि whether daughter can claim co-partnership right even if her father died before the date of enforcement of this act. तो ये दो इशू रेज किए गए कि क्या daughter को माना जाएगा co-partner before amendment, और दूसरा क्या father का alive होना important है at the time of enforcement. तो फर्स्ट इशू को सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया और माना कि इस अमेंडमेंट से डॉटर को जो को पार्टनरशिप का राइट मिल रहा है वो मिल रहा है उनकी पैदाइश यानी कि बाय बर्थ, और ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट. तो इसी वजह से कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट एक्ट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, इट कन्फर्स को पार्टनरी राइट टू डॉटर फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ एंड नॉट फ्रॉम डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, दस डॉटर विल बी कंसिडर्ड को पार्टनर बाय बर्थ. तो चाहे डॉटर की बर्थ इस अमेंडमेंट के आने से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, जिस दिन से उनकी बर्थ हुई उसी दिन से उनको को पार्टनरशिप का राइट प्रॉपर्टी में मिलेगा. सेकेंड इशू था कि फादर शुड बी लिविंग ऑन द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और नॉट. तो इस इशू को कोर्ट डिसाइड करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिंस को पार्टनरी राइट इज़ बाय बर्थ, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फादर शुड बी लिविंग ऑन द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट. Thus, irrespective of the fact whether father is alive or pre-deceased on 9 September 2005, the daughter can claim her share in property through partition. तो फादर अगर जिंदा है या ना जिंदा है और द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डॉटर अपना राइट क्लेम कर सकती है हमेशा इन द को पार्टनरी प्रॉपर्टी. तीसरा चेंज हम लोग देख रहे हैं विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाई 2005 अमेंडमेंट एक्ट इज़ अबॉलिशन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पायस ऑब्लिगेशन क्या है. पायस ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन ऑल मेल मेंबर्स विद इन 4 degrees. तो 4 degrees के मेल मेंबर पे ऑब्लिगेशन रहती थी कि उनके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ने अगर कोई डेट लिया है, कोई कर्ज लिया है, तो उसको चुकाना उनको पड़ता था. कैसा कर्ज होता था? रिलीजियस या पायस पर्पस के लिए, कोई प्योर या रिलीजियस पर्पस के लिए अगर उनके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ने कोई कर्ज लिया होता था तो 4 degree के मेल मेंबर्स को उसको चुकाना पड़ता था. अगर वो नहीं चुका पाते थे तो क्रेडिटर उनको सू कर सकता था. क्रेडिटर जो होता था वो सिविल सूट ला सकता था उसको एनफोर्स करवाने के लिए, अपना डेट रिकवर करने के लिए. दिस वॉज पायस ऑब्लिगेशन. बट 2005 के अमेंडमेंट के बाद ये पायस ऑब्लिगेशन हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया. इसमें कहा गया कि अगर कोई भी डेट फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस या पायस पर्पस के लिए 9/9/2005 यानी कि जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 9 September 2005 के बाद कोई भी डेट अगर ले रहे हैं, ऐसा डेट जो रिलीजियस और पायस पर्पस के लिए है, तो क्रेडिटर के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको रिकवर कर सके. क्रेडिटर सिविल सूट नहीं ला सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट टेकन आफ्टर दिस डेट. बट एक प्रोवाइजो ऐड किया गया, ये प्रोवाइजो 6 के क्लॉज 4 में दिया गया है. इस प्रोवाइजो में कहा गया है कि अगर डेट इस डेट के पहले लिया गया है तो वो डेट क्रेडिटर रिकवर कर सकता है ऐसे बच्चों से या फिर अडॉप्टेड चिल्ड्रेन से जो इस डेट के पहले पैदा हुए हैं. तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि अगर इस डेट के बाद कोई डेट लिया जाता है फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के द्वारा रिलीजियस और पायस पर्पस के लिए, तो क्रेडिटर उसको जो है इन्फोर्स नहीं करवा पाएगा, सिविल सूट नहीं ला पाएगा. बट अगर डेट इस डेट के पहले लिया हुआ था
तो क्रेडिटर केस कर सकता है ऐसे बच्चों पे या फिर अडॉप्टेड चिल्ड्रेन पे जो कि इस डेट के पहले पैदा हुए थे, ना कि जो बाद में पैदा हुए थे। तो अगर जो बच्चे बाद में पैदा हुए उनको नहीं सू कर सकता, और अगर डेट इस डेट के बाद लिया गया है तो उनको सू नहीं कर सकते। दिस वॉज ऑल अबाउट थर्ड चेंज ब्रॉट अबाउट बाई दिस एक्ट। अब हम लोग आगे के चेंजेस देखते हैं जो 2005 के अमेंडमेंट के बाद आए। फोर्थ चेंज जो आया है 2005 के अमेंडमेंट से वो है डिलीशन ऑफ प्रोविजंस एग्जेम्प्टिंग एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स। तो पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पे अप्लाई नहीं करता था, बट अब अमेंडमेंट एक्ट से इट हैज़ डिलीटेड दिस प्रोविजन और अब हिंदू सक्सेशन एक्ट दोनों एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पे अप्लाई करेगा। बट अगर स्टेट ने कोई स्पेसिफिक लॉ बनाया है एग्रीकल्चरल होल्डिंग के डिवोल्यूशन के लिए तो वो प्रिवेल करेगा ओवर दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी में यूपी रेवेन्यू एक्ट अप्लाई करता है ओवर सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग, तो वो प्रिवेल करेगा ओवर दिस एक्ट। फिफ्थ चेंज 2005 अमेंडमेंट एक्ट से आया है डिलीशन ऑफ प्रोविजंस इवन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 पोजीशन प्रायर टू अमेंडमेंट हम लोग देखते हैं, तो सेक्शन 24 कहता है कि जो विडोज है इफ़ दे रीमैरी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी सक्सेशन से। पोजीशन प्रायर टू अमेंडमेंट सेक्शन 24 डिस्क्वालीफाइड थ्री विडोज फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरस्टेट इफ एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द सक्सेशन दे हैव रीमैरिड। तो तीन विडोज, सन्स विडो, सन्स विडो और ब्रदर्स विडो, अगर एट द टाइम ऑफ री ओपनिंग ऑफ द पार्टीशन दैट इज जब इंटरस्टेट की डेथ हुई है तो इन विडोज ने शादी कर ली है, री मैरिज कर ली है, तो इनको प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं मिलता था। ये प्रोविजन डिलीट हो गया है। पोजिशन आफ्टर अमेंडमेंट देखते हैं, तो अमेंडमेंट के आ जाने से भी इस सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं आया है। पहले जो प्रोविजन था कि ऐसी विडोज़ जो री मैरिज कर लेती है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द पार्टीशन वो डिस्क्वालिफाइड रहती थी, अमेंडमेंट के बाद अगर ये प्रोविजन हट भी गया है तब भी कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि जैसे ही विडो री मैरिज कर लेती है तो उसका परिवार से हर संबंध ख़त्म हो जाता है, अब वो फैमिली की मेंबर नहीं रह जाती है, तो उसका कोई भी लीगल स्टेटस, शी लूजेस द स्टेटस ऑफ विडो इन द फैमिली एंड दस उनको कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। तो जो प्रोविजन 24 था वो अगर रहता तो जो पोजीशन रहती वो अभी भी पोजीशन मेंटेन्ड है। सिक्स्थ और आखिरी चेंज जो आया है 2005 के अमेंडमेंट से वो है कि क्लास वन कैटेगरी ऑफ एयर्स में चार नए एयर्स ऐड किए गए हैं इन द ब्रांच ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर। तो ये चार एयर्स मेंशन्ड हैं जो कि हम लोग शेड्यूल में भी देख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग ने जाना ऑल अबाउट द चेंजेस ब्रॉट बाय द 2005 अमेंडमेंट एक्ट। 2005 अमेंडमेंट एक्ट जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में आया है उससे क्या चेंजेस आए, और उसी के साथ साथ हमने सेक्शन 6 भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 8 से सक्सेशन डिस्कस करेंगे, जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन देखेंगे मेल और फीमेल का, तब वहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का पूरा सक्सेशन वाला प्रोविजंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक रिलेटेड टू लॉ।